देश में चुने हुए हाउस के अंदर एक झूठ बोला गया और मैं चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि उस झूठ को रिकॉर्ड से हटाया जाए, वरना हमारी आने वाली पीढ़ियां इस झूठ को जानेंगी। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने वो मंदिर बनाया, ये सरासर झूठ है। वो मंदिर भगवान राम ने खुद बनाया। पहली बार इनकी औकात नहीं है कि भगवान राम का मंदिर ये बनाते, भगवान राम ने बनाया था। और भगवान राम भी जब अपना मीडियम चुन रहे थे कि किसके थ्रू बनाए, तो चॉइस थी बीजेपी कि इनके थ्रू बनवा लेते हैं। भगवान राम ने भी नहीं चुना, कह रहे इनके थ्रू चुनेंगे बदनाम हो जाऊंगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट चुना, भगवान राम ने चुना, पूरी सृष्टि जिसने बनाई, कणकण बनाया, हमको बनाया, ये पृथ्वी बनाई, पूरा ब्रह्मांड बनाया, उनके लिए मंदिर ये बना रहे। भाई तुम बहुत बड़े हो गए, मतलब ये तो अब गाने बनाने लगे जो भगवान को लाए हैं। अरे ये तो दशरथ जी ने भी नहीं कहा कि मैं राम को लाया हूं, ये लाए हैं भगवान राम को। जो राम को लाए हैं हम उनको लाए थे। भाई तुम कब से इतने बड़े हो गए कि तुम राम को लाने वाले बन गए? ये तो कोई नहीं कहता, ये तो पूरी की तरह ब्लास्फेमी है, अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है, हर रिलीजन का अपमान है जब ये कहते हैं कि हमने बनवाया। कितना घमंड, वो भी भगवान राम के लिए कि हमने भगवान राम का मंदिर बनवाया, आपने नहीं बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया और सुप्रीम कोर्ट ने कह के बनवाया और इतने सालों तक वो मुकदमा लड़ा गया तब बनाया गया। तो ये जो बात अजय महावर जी ने कही है, सबने आदर किया, सबने सम्मान किया, लोगों को सिर्फ चिढ़ इस चीज से थी इनके कहने से नहीं बनाएंगे। समस्या क्या थी? अगर ये प्यार से कहते तो वो मंदिर कब का बन चुका होता, इनके कहने से नहीं बनाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो सबने कहा कि ठीक है बनवा दो, बहुत अच्छा, चंदा दिया सबने, चंदा चोरी भी हुआ। अध्यक्ष महोदय ये इस रिकॉर्ड पे है हाउस के कि जब भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बना और ये खबर फैली कि राम मंदिर ट्रस्ट को कहां कहां जमीन की जरूरत पड़ेगी, तो बीजेपी के चुने हुए मेयर ने वहां पर अपने रिश्तेदारों के माध्यम से जमीनें खरीदी और एक से खरीदी और दो मिनट बाद कई गुना दामों में अगले को बेची, ये भी इन्होंने किया जिसके सबूत हमने हाउस के अंदर रखे।